दिल्ली के नेहरू पैलेस में बनी यूनियन बैंक की ब्रांच के सामने फिर कुछ लोग धरने पर बैठ गए हैं। वहीं जब हमारी टीम ने अनिल कुमार नाम के व्यक्ति से बात की तो उन्होंने बताया कि बैंक के मैनेजर ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, जिसमें उन्होंने नकली डीडी बनाकर उनके साथ 1 करोड़ की धोखाधड़ी की। धरने पर बैठे अनिल कुमार ने बताया कि हम कई दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। इसके बाद कुछ अधिकारियों द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनकी यह कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। दरअसल मामला यूनियन बैंक के मैनेजर पर 1 करोड़ रुपए के गमन करने का है। मामला 4 से 5 महीने से चल रहा है। एक कंपनी के नाम से नेहरू पैलेस में बनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में कंपनी के मालिक द्वारा खाता खुलवाया गया था और एक डीडी बनवाई गई थी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हमारी कंपनी के बैंक से 1 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का मामला सामने आया है। तभी हमने बैंक मैनेजर से शिकायत की, लेकिन बैंक मैनेजर ने बात को इधर उधर करते हुए टाल दिया। वहीं हमें फरीदाबाद ब्रांच जाने को कहा गया, लेकिन हमने ये कहते हुए मना कर दिया कि हमने अपनी कंपनी का बैंक खाता नेहरू पैलेस ब्रांच में खुलवाया था, तो हम फरीदाबाद ब्रांच क्यों जाएं? तभी हमें समझ में आ गया कि हमारा पैसा गबन किया जा रहा है। फिर हमने पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को कुछ महीने पहले गिरफ्तार कर लिया है। पैसे को गबन करने का सबसे बड़ा हाथ नेहरू पैलेस ब्रांच के मैनेजर का है। साहब की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेहरू पैलेस में हमारा अकाउंट है और मेरे अकाउंट में से चेक काट करके 1 करोड़ रुपये का डीडी बना है और वो ओरिजिनल डीडी मेरे ही पास है। और जब उसको कैंसिलेशन के लिए मैं यहाँ भेजा, 17 जनवरी को डीडी बनाए थे और 21 जनवरी को मैं उसको कैंसिलेशन के लिए भेजा, तो पता चला कि ये पैसा निकल चुका है। ये पैसा फरीदाबाद ब्रांच से डुप्लीकेट डीडी बन करके पास हो चुका है। इसके बाद ये हमारा ओरिजिनल डीडी लेकर करके यहाँ के ब्रांच मैनेजर जो ब्रजेश गुप्ता जी हैं वो लेकर के फरीदाबाद चले गए। फरीदाबाद से वो रात में बहुत मुशक्कत के बाद जो है कि 12 बजे रात में लौटे अंकुर गुप्ता जी। 12 बजे रात में जब वो लौटे तब जा करके हमको रिसीविंग दिया और हमको बताया कि आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो अंडर क्लियरिंग है और 2 रोज में आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। 2 रोज में अकाउंट में पैसा जब नहीं गया तब तक मैं ये लोगों ने पूरा मीटिंग किया। मीटिंग कर करके हेडक्वार्टर के जो जीएम मैडम थे और एजीएम और डीजीएम साहब लोग सभी को जा करके हमसे साथ मीटिंग किए, बोले कि किन्हीं पर शक, हम ले किन्हीं पर शक नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि आपको एक लेटर दे दिया जा रहा है और जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती है इस मामले में तब तक आप किसी भी तरह का लुक आफ्टर नहीं कर सकते हैं बैंक के साथ में। तो 4 महीने लेटर मिल जाने के बाद 4 महीना तक मैं वेट करता रहा, इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद जो है मैं इन पर पैसे का दबाव बनाया कि आप हमको पैसा पेमेंट कीजिए, लेकिन इन्होंने बोले क्या कि आप केस ख़त्म होगा तब जा करके मैं आपको पैसा दूंगा। हम कहते हैं कि हमको इस केस से क्या लेना देना है, जो भी कांड हुआ फरीदाबाद ब्रांच में हुआ, जो भी कुछ मुद्दा उठा वहाँ उठा, तो हमने डीडी यहाँ बनाया, पैसा मेरा यहाँ है, अकाउंट मेरा यहाँ है, कैंसिलेशन के लिए मैंने यहाँ भर दिया, तो मेरा फरीदाबाद ब्रांच से हमारा क्या लेना देना है, कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने जल्द से जल्द बैंक के अधिकारियों से उनका पैसा देने और कंपनी का जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। NBC न्यूज़ के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।